गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो आप कुछ दिनों से देख रहे हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव जो है उसका डेटा हमारे पास आया है फर्स्ट जो फेज़ का हमारा सर्वे हुआ है तो उसका डेटा हमारे पास आया है एंड इट इज़ नॉट वेरी इनक्रेजिंग एंड इट इज़ इन फैक्ट अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस दैट वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दिस केस ठीक है तो देखते हैं कि क्या डेटा जो है वो कह रहा है तो वो कहते हैं कि 2015 से 2019 के बीच में इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उसने उन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है ठीक है रादर उन्होंने जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के जो पैरामीटर्स हैं उन पर या तो बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है या फिर वो पहले ही जो अचीवमेंट्स थी उससे भी पीछे जा चुके हैं ठीक है मतलब कि जो माल न्यूट्रिशन है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन वो और ज़्यादा बढ़ गया है कम होने का तो छोड़ो उस वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा ठीक है तो अब ये एन होता क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन करवाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है कुछ टाइम बाद हर टाइम बाद कराती है जैसे कि पहले चार जो हैं वो 92 से 93 फिर 98 से 99 2005 से सिक्स फिर 2015 थाउजेंड फिफ्टीन से सिक्सटीन आफ्टर ऑलमोस्ट जो है इरेगुलर पीरियड्स में ये करवाते रहते हैं कोई फ़िक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि कब करवाना है ठीक है तो ये फिफ्थ सर्वे ऐसा तो इसको कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसज़ इन मुंबई है वो नोडल एजेंसी है इसके लिए ठीक है ये कोलेबरेटिव एफर्ट होता है आई का जो मुंबई वाले नोडल एजेंसी उनका ओ आर सी मैक्रो मैरीलैंड मैरीलैंड में है यू एस में इंस्टीट्यूट उनका और ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई ये भी यू एस की एक एजेंसी है ठीक है ये तीनों मिल के ये जो है सर्वे करते हैं तो आई आई पी एस जो है वो नोडल एजेंसी है वो बेसिकली इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखती है इसको फंड कौन करता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है वो इसको फंड कर रही है और सप्लीमेंट्री फ़ंड इसका कहाँ से आ रहा है यूनिसेफ से ठीक है डेटा कौन कौन सा कलेक्ट किया है इसमें 131 पैरामीटर्स हैं अब ये देख लो ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव सैनिटेशन एंड सो ऑन ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ये सब देखते हैं इसके बेसिस पर ही जो है फॉर्मुलेशन या फिर एनालिसिस किया जाता है इस बार जो है एन एफ एच एस फाइव हाउस के अंदर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया सच एज प्री स्कूल एजुकेशन डिसेबिलिटी एक्सेस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी एंड सो तो ऑन ये सब जो है न्यू पैरामीटर्स भी इसमें ऐड किए गए अब क्यों इम्पॉर्टेंट है एन एफ एच एस के रिज़ल्ट हमारे लिए ताकि स्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग कर पाए कि हमको कहाँ पर हमारी कमी आ रही है क्यों हमारे जो जो चाइल्ड मल्टी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है और किस एरिया में खासकर ज़्यादा है क्या फैक्टर्स हैं लोकल फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं और ये पैरामीटर्स देखो अब आप पैरामीटर्स भी इतने ये डिटेल्ड हैं प्री स्कूल एजुकेशन अगर कम है तो उसके उसको कैसे हैंडल किया जाए फिर एक्सेस टू अगर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए और वो बेसिकली लोकल लेवल तक पे जो है अब ये डेटा सारा जब गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो गवर्नमेंट इफेक्टिवली uh, जो है इंटरवेंशन कर पाएगी और ये सारी चीज़ों को सुधार पाएगी ठीक है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एन एफ एच एस ने क्या फाइव uh, जो है जो फिफ्थ सर्वे उसने क्या फ़ाइंड किया है उसने देखा है कि जो इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी है और चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग ये तो आपको पता ही है ना आ, हमने पहले भी प्रीलिम्स बूस्टर में पढ़ा है इसका जो ब्रैकेट में लिखा है कि क्या क्या होता है चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है कि एक पर्सन की एज के हिसाब से हाइट कम रहेगी चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि एक पर्सन की मतलब एक बच्चे की खासकर एक बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कम रह गया अब ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि उसको अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिली है ठीक है फिर अंडरवेट चिल्ड्रन जो है बहुत सारी जो स्टेट्स हैं इनमें इन में, इन, इन पैरामीटर्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा या तो स्टेगनेंट रही हैं मतलब कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की है उन्होंने या फिर वो पहले से भी और बदतर होती गई हैं ठीक है अब क्योंकि ये सर्वे दो से उन्नीस के बीच में किया गया और उसके अंदर बहुत पुअर रिज़ल्ट आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान जो बच्चे पैदा हुए हैं जो जीरो से फाइव इयर्स के एज के हैं वो इससे पिछली जो जनरेशन के बच्चे थे उनसे ज़्यादा उनके बेचारों के बुरे हाल पड़े हैं ठीक है उनके वो ज़्यादा माल न रिष्ट प्रीवियस जनरेशन से अभी तो ये अब आप, आप देखो कि ये सिर्फ फ़र्स्ट फेज़ का डेटा ही रिलीज़ हुआ है और जो कि प्री पेंडेमिक डेटा था जो अब पैंडेमिक के बाद का डेटा है वो तो और ज़्यादा आ, भयानक हो सकता है और ज़्यादा क्योंकि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आई होगी लॉकडाउन की वजह से लोगों की जॉब्स गई हैं इवन कई लोग तो भूखे सोए हैं आपको पता है माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ था तो पैंडेमिक के बाद तो और ज़्यादा पुअर रिजल्ट आने की संभावना है ठीक है तो एनी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विंटर सॉल अब डिसम्बर ट्वेंटी को नदन हेमस्फेयर में विंटर सॉल्सटाइज होता है अभी विंटर सॉल्सटाइज क्या होता है कि आपका जो रात है वो बहुत बड़ी होती है और दिन छोटा होता है ठीक है इतना तो आपको पता है सिमिलरली हमारी नदन हेमस्फेयर में जून ट्वेंटी वन को क्या होगा कि दिन बहुत बड़ा होगा और रात बहुत छोटी होगी ठीक है अब इसके रीज़न आपको पढ़े हैं आपने अगर जोग्राफी में तो वेल एंड गुड बहुत ही बेसिक साइकर इसका रीज़न है बहुत ही सिंपल सा इसका रीज़न है बचपन में भी आपने पढ़ा होगा अर्थ का जो है वो टिल्ट जो होता है ना अर्थ का टिल्ट क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज जो है अपने ऑर्बिट पे वो टिल्ट है मतलब कि झुकी हुई है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस सारे प्लैनेट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा टिल्ट है अपने ऑर्बिट्स पर बट अर्थ का जो टिल्ट है वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस है अगर ये अर्थ टिल्ट ना हो तो हमारी जो जो अर्थ पे जो है वो सीजन ही नहीं होंगे ठीक है अगर एक एरिया में कभी सर्दी है तो वहाँ पर परमानेंट सर्दी रहेगी एक एरिया में गर्मी है तो वहाँ पर परमानेंट गर्मी रहेगी ठीक है अर्थ की टिल्ट की वजह से ही वहाँ पर जो है चेंज ऑफ सीजन होते हैं ठीक है अब विंटर सॉलस्टाइस ट्वेंट दिसंबर ट्वेंटी वन को होता है आ, जो है हमारे नदन हेमिसफेयर में और सेम डे पर जो है हमारी सदन हेमस्फेयर पे वहाँ पर समर सॉल्स होगा क्योंकि वहाँ पर दिन बहुत बड़ा होगा और रात जो है वो छुट्टी होगी ठीक है अब सिमिलरली अब आप सोचो इक्वेटर जो है हमारा ठीक है क्योंकि जब अर्थ टिल्ट हुई है तो जो इक्वेटर है वो बिल्कुल बीच में आ गया है और बीच में आने की वजह से जो है उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से वहाँ पर डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर जो है वो बारह घंटे के लिए सन रहेगा बारह घंटे के लिए रात रहेगी और जो हमारे ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस जहाँ पर हमारे ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पर आई एम सॉरी ठीक है ये जो इक्वेटर वाला है ये मैंने आपको ये बोला कि डायरेक्ट जो सनलाइट वहाँ पर नहीं पड़ेगी अब मैंने गलती से आपको ये बोल दिया कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी डायरेक्ट सनलाइट किस पे पड़ती है ट्रॉपिक्स पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी इन केस ऑफ समर सॉल्सटाइज इन नदरन हेमस्फेयर और जैसे जब हमारा विंटर सॉल्सटाइज चल रहा है दिसंबर जो ट्वेंटी वन वाला हमारा उसमें ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ठीक है तो वहाँ पर बहुत गर्मी होगी और वहाँ पर गर्मियों की पीक होगी मतलब सदर्न हेमिसफेयर में तो जो लेटिट्यूड्स uh, हैं जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और जो इक्वेटर है वो जो है जो क्योंकि जो सन है वो नीचे मूव कर गया है हमारे uh, ट्रॉपिक्स पे मूव कर गया है तो इक्वेटर पे जो डे एंड नाइट है वो इक्वल हो जाएंगे ठीक है uh, सिमिलरली आपको मैंने बता ही दिया कि सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ड्यूरिंग विंटर ऑल्स और यही सिमिलरली उल्टा हिसाब होगा जब हमारा जब हमारा जून ट्वेंटी वन आता है हमारे नदर एमस्फेयर में तो क्या होता है मतलब इंडिया में एक तरह से तब हमारे जो डे है वो बहुत ज़्यादा लॉगर हो जाता है तो क्योंकि क्यों होता है ऐसा क्योंकि हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया के बीच से भी गुज़रता है जो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल वगैरह जो एरिया वहाँ से गुजरता है ये लाइन गुजरती है उसके ऊपर डायरेक्टली सना जाता है तो वहाँ पर जो है वो जो डे है वो बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉट फॉर योर यू मतलब डायरेक्टली इस पर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट आपको हाँ ये डिटेल पता होने चाहिए कि म्यूटेशन जो होती है वो वायरस में हो जाती है अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है ठीक है जब भी भी वायरस को लगता है कि उसको खतरा हो रहा है तो वो अपनी शेप को अपनी बॉडी को अपने हेड को मतलब चेंज करने लग जाता है ताकि जो है वो लड़ सके इफेक्टिवली जो uh, इम्यून जो सिस्टम है उससे लड़ सके ठीक है जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम से <coughs> तो अभी कोविड नाइन्टीन के केस में भी यही हो रहा है कि जो कोविड वायरस है अभी इंग्लैंड में पाया गया कि उसने म्यूटेट किया अपने आप को और जो ये म्यूटी जो जो ये म्यूटेट करने के बाद जो फॉर्म बन रही है इट्स एक्चुअली बी वन वन सेवन फॉर्म ये ज़्यादा खतरनाक है यूके के हेल्थ सेक्रेटरी ने बोला है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट मोर इन्फेक्शियस दैन दी ओरिजिनल कोरोना वायरस है ये ठीक है तो अब म्यूटेशन देख लेते हैं होती क्या है कोरोना वायरस जो है वो जान के जो है एंटीबॉडीज़ को और या फिर जो मतलब आप वैक्सीन को भी अगर आप सोचो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब दस बारह साल में सात आठ साल से बा के ऑलमोस्ट बाद रादर उससे भी ज़्यादा सालों बाद जब वायरस जो है वो आ, मतलब आ, हमारी जो है पॉपुलेशन में सर्वाइव कर रहा होगा आ, तो वो वैक्सीन से भी बचने के लिए म्यूटेट करने लग जाएगा ताकि वो उससे बच पाए जो है वैक्सीन उसको आ, एक तरह से डीएक्टिवेट ना कर पाए ठीक है तो अभी क्या हो रहा है कि जो वायरस है जो यूके ने पाया है कि हम जो है एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट वग़ैरह दे वायरस को मारने की कोशिश करते हैं तो जो वायरस है उससे उस उस अटैक से बचने के लिए अपने आप अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है ठीक है अब हमारी बॉडी को आपने एंटीबॉडीज़ दे दी ठीक है एक अब हम आप देख रहे हैं ना कि एक एक पर्सन जिसने बड़ी मुश्किल से करोना वायरस से लड़ लिया है ठीक है तो उस क्या हुआ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई जो कि वायरस से लड़ सकती हैं तो मतलब क्या हुआ कि उस उस पर्सन की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसे पता है कि एक ऐसा कोई वायरस है जिससे हमें इस तरीके से लड़ना है ठीक है तो उसकी बॉडी ने सीख लिया वो उस इम्यून सिस्टम ने सीख लिया तो हम वो जो है प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं कि उस बॉडी उस पर्सन की बॉडी से ब्लड लेके प्लाज्मा जो लेके वो एक इन्फेक्टेड पर्सन जो जिसमें जिसकी बॉडी में अभी अभी कोरोना वायरस आया है और उसकी बॉडी को नहीं पता कि मैं किससे लड़ रही हूँ उसके पर्सन उस पर्सन की बॉडी में हम डाल देते हैं तो उसकी बॉडी को भी पता लग जाता है कि ये जो है कोरोना वायरस है और इसके साथ मुझे ऐसे लड़ना है तो वो वही सेम एंटीबॉडीज़ लड़ लेती हैं ठीक है तो करोना वायरस क्या करता है वो कहता है कि तुम्हें पता कैसे लगता है मतलब इन एंटीबॉडीज को कैसे पता लगता है कि मैं वायरस हूँ तो जो एक तरह से आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ जो वायरस है वो अपना भेष बदल रहा है ठीक है पहले उसके तीन सिर थे दिस इज एक्चुअल थिंग दिस इज एक्चुअल थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले थ्री हेड वाला वायरस था ये अब ये फ़ाइव हेडेड हो गया है ठीक है जब ये फाइव हेडेड हो गया है फिर इसने अपने शेप को भी चेंज कर लिया है तो अब क्या होगा कि चाहे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट की हुई हैं चाहे वो आर्टिफिशियली uh, uh, डाली हैं तो आपकी बॉडीज़ को तो पता है कि थ्री बॉडी वाला एक वायरस होता है उससे लड़ना है मुझे और उसकी शेप आपकी एक डेफिनेट शेप पता है लेकिन अगर ये वायरस शेप बदल के अपनी बॉडी में और ज़्यादा हेड डाल के आ गया तो आपकी बॉडीज़ को पहचान नहीं पाएगी ये आपकी बॉडी को डैमेज कर, करना करना शुरू कर देगा ठीक है तो लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी वायरस को जो है इतना म्यूटेट होना इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है और अगर हो भी रहा है म्यूटेट तो वो इतना ज्यादा म्यूटेट होकर इतना ज्यादा जो है ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकता अपने में कि वो खासकर वैक्सीन से बच पाए ठीक है चलो वैक्सीन तो छोड़ो हमारे इम्यून सिस्टम से प्रॉपरली वो बच ही नहीं सकता हमारा इम्यून सिस्टम अगर उसको थोड़ा बहुत पता लग गया कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ वायरस होता है तो वो अगर थोड़े बहुत तो हम अगर वो चेंज भी कर रहा है अपनी भेष को एक तरह से अपनी शेप को और हेड को तो हमारी बॉडी उसको पहचान के उसको मार देगी ठीक है तो ये देखो ये लिखा है ना यू हैव अ थाउजेंड बिग गन्स पॉइंटेड एट द वायरस तो वायरस को हज़ारों ऐसी गन्स के साथ लड़ना है तो इट्स नॉट पॉसिबल इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि वो सबसे लड़ पाए इतनी जल्दी ठीक है इसमें एग्जाम्पल दिया साइंटिस्ट ने कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वाला वायरस होता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉर्टेंट वायरस है उसको भी पाँच से सात साल लग जाते हैं इतनी म्यूटे इतना ज़्यादा म्यूटेट होने में कि वो इम्यून जो है सिस्टम को की रिकॉग्निशन को अवॉइड कर सके ठीक है तो ये तो फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है कोरोना वायरस इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन्फ्लुएंजा वायरस तो ये अभी जो है म्यूटेशन जितनी मर्जी कर ले हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से नहीं बच पाएगा और ख़ास कर जो हमारी वैक्सीन जब आ रही हैं तो वो तो इसको नहीं छोड़ नहीं छोड़ेंगी एक तरह से तो वो इसका जो है वो जितना मर्जी तब तक म्यूटेट कर ले तो हम उसको टारगेट करके हरा ही देंगे ठीक है अब वे फॉरवर्ड क्या है साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि इसकी म्यूटेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको अपनी पूरी सिक्स पॉपुलेशन का सिक्सटी परसेंट जो पॉपुलेशन है उसको एक साल के अंदर अंदर हमें वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर हमने सिक्सटी परसेंट अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो ये वायरस जितना मर्जी म्यूटेट हो जाए ये वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके जो म्यूटेट होने के भी चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे ठीक है साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमको फिर भी इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि ये और कितना ज़्यादा म्यूटेट करता है ठीक है ताकि हम ये देख सकें कि हम अपनी वैक्सीन को भी उसके हिसाब से ही जो है अपडेट करते रहें ठीक है अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोस्टल रिडार नेटवर्क अब इंडिया जो है उसने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए हैं इंडिया इंडियन नेवी का जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है गुड़गांव में वो आई मीन गुरुग्राम में वो एक इंडिया का है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन आईएफसी आईओआर अब ये कोस्टल ये क्या कर रहे हैं ये सेंटर्स जो हैं जो गुरुग्राम में है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोस्टल रडार्स हमने लगाए हैं एक तो हमारी खुद की जो है मेरी जो बाउंड्री है उसके ऊपर भी लगाए हैं और जो कुछ कंट्रीज़ में भी जैसे मैल मायलिवज़ आई मीन सेशल्स श्रीलंका इधर हमने ऑलरेडी जो है कोस्टल रडार लगाए हैं ताकि हम नज़र रख सकें हमारे कि इंडियन ओशन में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ठीक है अब सिमिलरली हम मालदीव्स म्यांमार और बांग्लादेश थाईलैंड इन सब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आप हमारे साथ जो है ये कोस्टल नेटवर्क डार ने लगाने की आप परमिशन दो ताकि हम ठीक तरह से नज़र रख पाएँ कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में खासकर हो क्या रहा है ठीक है अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली टारगेट करने चाइना की एक्टिविटीज़ को टारगेट करने के लिए ही की जा रही है क्योंकि चाइनीज़ नेवी जो है वो इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है ठीक है अब ये आई जो है इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जो है वो गुरुग्राम में लोकेटेड है और ये नोडल एजेंसी है नोडल एजेंसी है ये मेरी डेटा फ्यूजन के लिए ठीक है अब क्या होता है कि जितने भी कोस्टल रडार नेटवर्क्स हैं वो उन सब को आई के थ्रू ही नजर रखी जाती है उनके ऊपर कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं अब इस आई में ही लाइजन ऑफिसर्स जो होते हैं लियजोंग कहते हैं इसको एक्चुअली लियजोंग ये फ्रेंच वर्ड होता है इसको लियोजों कहते हैं लियोजों ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ के इसमें आईएमएसी में जो हैं वो डेप्यूट किए गए हैं जैसे कि फ़्रांस ने जापान ने और यूएस ने ताकि अच्छे तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके पूरी एक्टिविटीज़ पर हम इस जगह पर की नज़र रख पाएँ ठीक है अब हमने वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं अब वाइट शिप शिपिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और थर्टी सिक्स ने इंडियन नेवी के साथ साइन किए हैं वो अब वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी कमर्शियल शिप्स होती हैं मतलब यूएस की समझ लो कोई कमर्शियल शिप अगर इंडियन ओशन में आ रही है तो उसकी सिक्योरिटी और उसको क्या के, के, के एक तरह से कि वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है ये सब बताना और ये सब इसके बारे में कोऑर्डिनेट करना और उसको सिक्योरिटी देना जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है तो ऐसे थर्टी सिक्स कंट्रीज़ के साथ हमने साइन किया है ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स और आई एफ सी आई ओ आर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी वही गुरुग्राम में बनाया गया था ये इसी का पार्ट है अब इस इन दोनों को कॉन्जॉइन कर दिया गया कॉलोकेट कर दिया गया मतलब मिला दिया गया एक तरह से ठीक है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर को और आई एफ सी आई ओ आर को मिला दिया है दो हज़ार अठारह में और इंडियन नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस आई एम ए सी को बनाया था उसी के अंदर ही जो है आई एफ सी को भी डाल दिया गया है ठीक है और बेसिकली इसका टास्क क्या है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेरी टाइम सिक्योरिटी अब इसको आप पढ़ लेना थोड़ा कि क्या क्या इसका टास्क है ये सब इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एक लास्ट हम टॉपिक देखते हैं शिजला इन्फेक्शन अभी रिसेंटली कौजीकोड डिस्ट्रिक्ट जो केरला है वहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्स केसेस ऑफ शिजला इन्फेक्शन जो है वो पाए गए हैं अभी शिजला इन्फेक्शन होती क्या है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे इंटेंस में होती है और ये डायरिया जो है इससे हमारी बॉडी में हो जाता है ठीक है अब ये क्या होता है कि जो हमारी कॉलन है जो हमारी आ, एक तरह से जो रेक्टम वाली जो हमारी जो पाइप होती है एक तरह से जो कॉलन है उसमें उसको उसके सेल्स को इन्फ्लेम इन्फ्लेमेट कर देती है उसको उसको फिर क्या होता है कि उसके जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाते हैं उससे क्या होगा आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और जो आपकी बॉडी में डायरिया की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ठीक है कॉमन सिम्टम्स क्या हैं डायरिया स्टमक पेन फीवर नॉजिया एंड वॉमिटिंग ये बेसिकली जो भी अगर आपका पेट खराब होता है तो जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वही वाले सिम्टम्स हैं इसमें और ये स्प्रेड कैसे होता है अभी स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड होगा अगर आपने बैक्टीरिया इन्फेक्टेड फूड को गलती से खा लिया है अब वो कैसे होगा अब समझ लो कि कोई चाइल्ड केयर फैसिलिटी में कोई पर्सन जो है वो बेबी के डायपर्स वगैरह को, को साफ़ करता है तो उसको उसको साफ़ करने के बाद अगर वो प्रॉपरली हाथ उसने नहीं धोए और गलती से वो फूड को खा लिया उस नॉर्मल फ़ूड को अपने उसने बाद में खा लिया है उसी हाथों से तो वो जो है बैक्टीरिया उसके बॉडी में जाने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये डिसीज़ हो जाती है तो सिंपल सा इसका क्या सिंपल फॉर्मूला है कि बचने का इसका क्या तरीका है कि हा वॉश हैंड्स विथ सोप खासकर जब आप चाइल्ड के डाइपर को आ, आपने हैंडल किया है और या फिर जब भी भी आप खाना खाने लगते हो या फिर प्रिपेयर करने लगते हो फूड को तो आपको अपने हाथ धोते रहो तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा ठीक है तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे इसके अंदर दो एडिटोरियल जो आए हैं एक तो पीएम वानी स्कीम के ऊपर और एक ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो कैसे अच्छे तरीके से की जा सके ये दोनों बहुत ये दोनों पढ़ लेना ये आपके हिंदू में आज आया है की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्श स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट ये आप पढ़ ये आप इसमें जो है समरी में पढ़ लेना बहुत अच्छा आर्टिकल है ये सो वील मीट नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स विद न्यू टॉपिक्स अंटिल दैन गुड बाय एंड टेक केयर